आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, जो हमारी हरियाणवी नस्ल की देसी बछड़ी जो अपना स्थान प्राप्त कर विजयी हुई है, उसे यहीं पर एकदम से खरीद लिया गया और उसकी कीमत लगी है 40,000। तो चलिए उन दोनों की भावना और उनके विचार सुनते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जोन फार्मिंग लीडर में। धन्यवाद। पहले तो आप अपना परिचय दें जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उन्हें। सर, मैं गांव संडील, जिला डिस्ट्रिक्ट जींद जी, जाति जाट है जी। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, पिता नाम खजान सिंह है। सर जी, ये जो बछड़ी आपकी है उसने जो है कौन सी कैटेगरी में और कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये चौथा नंबर पे आई सर जी, कंसोलेशन। सर आप भी अपना नाम दें और अपने बारे में बताएं। नाम मेरा विजेंद्र सिंह, गांव राईपुरा, जिला करनाल, राजपूत बरादरी से बिलोंग करता हूं जी। हरियाणा पुलिस में नौकरी करता हूं जी। सर, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी गौ माता है और बड़ा अच्छा गोवंश है। हाँ सर। इसने जो है चौथा स्थान प्राप्त किया, आपको ऐसी इसमें क्या खूबी दिखाई दी जो ये आपने इन्हें खरीद लिया और ले लिया इनसे? इसमें खूबी नजर आई हमारी जो पहले संस्कृति थी, वही संस्कृति खड़ी मारी है जो आज से 30-40 साल पहले हमारे घरों में उखरे थी। हमारे माँ बाप रखा करते उस टाइम जी, तब यही थी चीज। और घर में सभी ना कोई कलेश था, ना कोई कुछ रख रहता, सब अच्छे शांत वातावरण में रख रहे थे। अब ये जर्सी गाय लाने पर सारी कलेश, बीपी आई, शुगर, सब चीज होगी। वापिस अपने संस्कारों माने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए गौ माता अपने घर में होनी चाहिए। जब हमारी औरतें सुबह रोटी काटती है पहली, वह गौ माता किसको दे रोटी? बिल्कुल। वो इस गौ माता को देने के लिए ले आए। बिल्कुल। और जो डॉक्टर ने बताया भी सुबह उठ कर, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है भाई, इस पर सुबह हाथ फेर उठ कर बीपी शुगर आपका वैसे आधा डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। दवाई खाने की आपका जरूरत नहीं जी। तो भाई जी, ये बछड़ी जैसे आपने बहुत ही केयर की और बहुत ही अच्छे से ऐसे पाली है, आज आप ये इन्हें सेल कर रहे हैं। हाँ सर। तो सेल कर रहे हैं तो और क्या घर पे और भी आपके यहाँ ऐसी? एक बच्ची और है सर, इसकी माँ 8-10 दिन पहले 1,44,000 की सेल कर दी, 20 किलो दूध था उससे। अच्छा। हाँ सर। तो सर, आपने जैसे कहा कि इनकी मदर के 20 किलो दूध था, जो एक भ्रांति है कि हमारी इंडियन देसी नस्ल की जो गोवंश है उसमें जो है दूध कम होता है या मतलब जो है इतनी अच्छी नहीं होती, तो नहीं, वो क्या बात? नहीं सर, ये तो कहने की बात है, अगर कोई ज्यादा ध्यान देवे तो कोई भी पशु हो उसी हिसाब से ज्यादा गिराएगा तो ज्यादा निकाल लेगा, ध्यान का भी फर्क है। अच्छा, मतलब हाँ। अगर गौर करी जाएगी और ध्यान दिया जाएगा तो ये भी जो है दूध का अपना अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं। हाँ सर, 20 किलो का रिकॉर्ड है सर इस हार में इसकी मम्मी। तो सर, जैसे कि आप लेके जा रहे हैं और इनकी मदर का 20 केजी का रिकॉर्ड है जी, तो क्या उम्मीद करते हैं आपके आगे ये वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगी बछड़ी? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ पाओगी जी। मेरी माँ मेरे तो रोटी बाद में पहले गाय ने रोटी देवा हुआ। अच्छा, और इतनी अच्छा। सेवा करती है वह हाथ से ज्यादा, गुड़ का, दलिये का, हर चीज का जो उसने पता। 70 साल की मेरी माता जी होगी, लेकिन सुबह उठते 5 बजे उठकर बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखती है जी जी। हाँ जी। तो सर जी, जैसे कि अब आपने ये खरीदी है जी सर, तो क्या सामने कैमरे के आप बताना चाहेंगे कि आपने ये कितने में खरीदी है? जी, ये मैंने 40,000 की परचेज करी जी, और मैं ये कहता हूँ पैसे का कोई मोल नहीं, ये हमारे संस्कार है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो आज अंग्रेजी उसमें चले गए उसको बताने के लिए भी मारा था, ये हो रहा था, ये गौ धन मारा है, यही चीज हमारी होनी चाहिए, इस पर वापिस आओ। शौक के आगे पैसा कोई मोल नहीं जी, शौक का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं जी, कोई तोल नहीं जी। हाँ, कोई मोल नहीं है। हाँ जी। अगर आदमी कहेगा कि भाई गाय तो सड़कों पे बहुत गिर रही है, अगर ये 40,000 दे के खरीद के, अगर ये 50 मांगता तो मैं इसको 50 भी देता। आपकी भावना और आपका गौ प्रेम देखकर मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया जी सर। आपने जो जानकारी दोनों ने दी या जो भी अच्छी बातें गौ माता के प्रति बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जी। साथियों, ये वीडियो आपने देखी और उन लोगों के विचार सुने और उनकी भावना सुनी। अगर उनके विचार और उनकी भावना और मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जोन फार्मिंग लीडर से।